गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको मजा आएगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को यूज कब करते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ। जब कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी सब्सटेंस कुछ ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना, तो उसको फिर न्यूट्रल बनाने के लिए हम उसमें एक बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं। या फिर इसकी जस्ट अपोजिट सोचो कि अगर कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर वो बेसिक हो जाए तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एसिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगा किसका किसका, एसिड और बेस का। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यही प्रोसेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है कि किसी एसिड में आप मिला दो बेस को। ये मिलाने के बाद क्या बनता है, देखो जो भी मिलता है वो सॉल्ट मिलेगा हमको और साथ में वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है और ये बहुत ही स्टूडेंट्स ये बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। और जैसे मैं इसका यूज बताने जा रहा हूं अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज क्या है। जैसे देखिए यहां से इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब कहां कहां पे करेंगे। ठीक है, देखिए इनडाइजेशन में यूज करेंगे। जब भी आंट बाइट, मतलब जब भी चींटी काट देगी ना, तो यहां इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ में यूज करोगे आप एक और है सॉयल ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए इनडाइजेशन में कैसे यूज करते हैं बताता हूं मैं। जैसे हमारा खाना पचता नहीं है, एक्चुअली हमारे स्टोमेक में क्या होता है, एसिड होता है। और आपको पता है कौन सी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहेगा उसमें हम क्या मिलाएंगे जिससे न्यूट्रलाइज हो जाए वो। जब भी स्टोमेक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो जब एक्सेस अमाउंट में होता है ना, तो हमको क्या होता है, हमारे स्टोमेक पेन करता है और हमारा खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन होने लगता है हमको। तो उस कंडीशन में हमको क्या है, हमारे खाने को तो हमको डाइजेस्ट बनाना है, तो उस कंडीशन में एक्सेसिव एसिड के केस में हम उसमें क्या मिलाएंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए। अभी आपने पढ़ा है जब भी एक्सेसिव एसिड का केस आएगा तो वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करना है तो क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। ठीक है, तो उसमें बेस मिलाएंगे तो इनडाइजेशन, जैसे यहाँ पे रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमिक में रहेगा, क्या रहेगा स्टोमिक में, तो यहाँ पे मिला देंगे। सपोज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन गया NaCl और वाटर। इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगा। ठीक है, क्या होगा, हीट रिलीज होगा इस प्रोसेस में। तो यही तो है, ये कौन सा प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे इनडाइजेशन के केस में इसको यूज किया जाता है। वैसे ही आंट बाइट के केस में, जैसे चींटी काटती है तो हमको, जैसे चींटी काटेगी ना तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में, और फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है तो उसको क्या करने हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी बेस उसमें मिला सकते हो। जैसे हम क्या यूज करते हैं इसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ठीक है, या तो कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, उसको रब करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन को लेकर उसको रब करो तो ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, और कैलामाइन सॉल्यूशन है जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे एसिड रिलीज होते हैं तो उसमें कुछ बेस मिला दिया जाता है। वैसे सेम देखो सॉइल ट्रीटमेंट में, बहुत सारे हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं कि सॉइल, जिससे क्या है हमारा सॉइल एसिडिक हो जाता है, तो उसको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म में कुछ मेटल आते हैं तो उसको डाल के उस एसिडिसिटी को कम किया जाता है सॉइल की, जिससे क्या होगा जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो करे और उनका डीके भी ना हो। तो आई होप आप लोगों की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस समझ में आया होगा, जिसमें सिर्फ यही करते हैं कि बहुत ज्यादा एसिडिक के केस में बेस मिला देते हैं, और जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिड मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अच्छे से ध्यान दीजिए और अपना नोट्स बनाइए, बुक भी पढ़िए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।